केजरीवाल साहब की उस भ्रष्टाचार को लेकर जो लीकर में स्कैम हुआ है, जहां पर इन्होंने शराब के माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, 12% बढ़ाने के पीछे जो इनका एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ कि हम तुमको सरकारी तौर पर सरकार 12% कमीशन देगी, उसका 6% तुम हमें 2 नंबर में वो पैसा वापस लौटाना, ये साक्ष्य निकल कर आए हैं। जब ये 100 करोड़ का घोटाला नजर आया तो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, अजय माकन, वो सीबीआई के पास गए थे, क्योंकि इसी संविधान के अनुसार ही सीबीआई का गठन हुआ है, संविधान के अनुसार ही ईडी का गठन हुआ है, और शिकायत की कि केजरीवाल ने लीकर के अंदर शराब घोटाले में घोटाला किया है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसकी शिकायत पर? अनिल चौधरी, अजय माकन, राहुल गांधी साहब, आपके कहने से ही ये कांग्रेस की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की, और एफआईआर लॉन्च की इस बात को लेकर कि जो एक्सटॉर्शन करके या लालच देकर अवैध रूप से पैसा कमाया जाता है उसको भी रिश्वत कहते हैं, और वो रिश्वत लेना और देना देश में अपराध है।